Like a Hellcat. सो हेलो गाइस, मेरा नाम है देव शर्मा, आप देख रहे हैं सीवी सुपर कूल व्लॉग्स। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज है डे टू देहरादून में, तो मैं आपको पूरा घर का टूर दूंगा जहां हम रुके हुए हैं। तो आइए चलिए दिखाता हूं मैं आपको पूरा बैक कैमरे से। सो गाइस, आप ये देख सकते हो पूरा ये थोड़ा सा पार्किंग का एरिया है। यहाँ पे मतलब दो तीन गाड़ियां आराम से खड़ी हो सकती हैं, स्कूटी भी खड़ी हुई है, बाइक वाइक भी आ जाएगी आराम से। यहाँ से जब इधर आएंगे तो ये थोड़ा सा गार्डन एरिया छोड़ा हुआ है, थोड़ा सा पाथ छोड़ा हुआ है, यहाँ पे आराम से बैठ के चिल कर सकते हैं कुर्सी वर्सी लगा के। और जब इधर से दूसरी तरफ जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ा गार्डन है, गार्डन एरिया है। यहाँ पे थोड़ी वेजिटेबल्स प्लांटिंग कर रखी है आप देख सकते हैं। और ये थोड़ा सा गार्डन छोड़ा हुआ है आगे के लिए, गार्डन के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है, थोड़ा सा गार्डन बना हुआ है बढ़िया। प्लांटिंग भी बढ़िया हो रखी है यहाँ पे देख सकते हैं आप। और जब थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे ये आम के पेड़ लगे हुए हैं, आपको दिखा देता हूँ ये रे। और आम आने चालू हो गए हैं, शायद नीचे भी गिरे हुए होंगे, दिखाता हूँ आपको। देखो देखो, आम आने चालू हो गए हैं। और बंदर बहुत आते हैं यहाँ पे, वो रे आम देखो दिख रहे होंगे आपको, बंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा आते हैं। बंदर की पूरी गैंग आती है यहाँ पे, कहते हैं ना जिसे, वो छोड़ते ही नहीं है यहाँ पे कुछ। यहाँ पे सारे आधे से ज्यादा नीचे पड़े रहते हैं, देखिए ये पड़ा हुआ नीचे। तो ये पोर्शन है थोड़ा सा। और गाइस, जैसे ही पार्किंग एरिया से उधर की तरफ को जाएंगे तो ये छोटी सी यहाँ पे लॉबी आती है, ये गैलरी है ये हल्की सी। यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे मोटर लगी हुई है। और ये इधर आप देख सकते हैं रास्ता जा रहा उधर को, और ये रास्ता वही आ गया जो पीछे वाला गार्डन था जो मैंने आपको दिखाया था, जहाँ पे आम के पेड़ लग रहे थे वही एरिया आ गया। ये सारा देख सकते हो आप, वहीं आवे घूम के। तो एक गेट यहाँ पे है और एक गेट वो वहां पे है जहां से हम अभी चले थे पार्किंग एरिया में। और गाइज, ये तो ये लगे हुए दोनों आम के पेड़ आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ये देख सकते हो आप पुदीना लगा हुआ है कितना सारा, जैसे चटनी वगैरह बनानी होती है तो यहीं से तोड़ के अपना बना लो चटनी बढ़िया पुदीने की, फ्रेश फ्रेश पुदीना लगा हुआ देख सकते हो आप। और गाइज, मुझे ये वाला प्लांट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसका आपको अगर नाम पता है तो मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसका क्या नाम है, मेरे को नाम नहीं पता इसका। बढ़िया लग रहा है काफ़ी। गाइज, मैं कल यहाँ पे आया था और कल मैं यहाँ पे अराउंड 4:30 बजे पहुँच गया था यहाँ पे देहरादून में। और जो है जब रात हो गई थी तो रात में इतना बढ़िया मौसम हो गया था, मतलब बारिश का सा हो गया था, यहाँ पे बढ़िया ठंडक हो रखी है। और अभी हल्की हल्की मध्यम मध्यम धूप हो रही है और अभी भी चांसेस हैं बारिश के थोड़े। ऊपर से मैं आपको छत पे से व्यू भी दिखाऊंगा, व्यू भी देखिएगा आप कितना ज़बरदस्त व्यू है। थोड़ा हम मसूरी के पास ही रुके हैं, मतलब मसूरी से थोड़ा टच करती हुई है ये जगह। आपको मैं एक बार जरा आसमान दिखाता हूँ कितना खुला खुला हो रखा है आसमान। देखो गाइस, एक बार आसमान देखो कितना प्यारा हो रखा है, कितना जबरदस्त हो रखा है खुला खुला आसमान। चांसेस हैं बारिश के थोड़े बहुत, क्योंकि यहाँ पे मौसम का पता नहीं चलता, धूप के साथ साथ बारिश भी आ जाती है। ये जो बर्ड्स चर्पिंग है ना यार, ये बहुत बढ़िया लगती है, ये जो नेचर बहुत पसंद है मेरे को। और बर्ड्स की चर्पिंग यहाँ पे दिन में काफ़ी सुनाई देती है, कोयल की आवाज़, चिड़िया की चहचाने की आवाज़ बढ़िया लगती है काफ़ी। और यहाँ पे बंदरों का भी नहीं पता चलता, कभी भी आ जाते हैं भाई बंदर यहाँ पे,
तो थोड़ा संभल के रहना पड़ता है यहाँ पे। गाइज मैं बाहर गया था कुछ सामान वामान लेने, एक बार मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, एक बार जरा पहाड़ों के नजारे देखो, जरा बैक कैमरे से जूम करके दिखाता हूँ आपको। गाइज ये देखो पहाड़ों के नजारे कितने बढ़िया लग रहा है, पहाड़ी पहाड़ चारों तरफ। सो गाइज यहाँ पे ये दो कमरे हैं, एक येरा गेट और एक येरा। तो ये वाला जो कमरा है ये बंद ही रहता है, और ये वाले गेट को अगर हम खोलेंगे तो अंदर आप देख सकते हैं ड्राइंग रूम बना हुआ है पूरा प्रॉपर, ठीक है। और ये ऊपर शैंडलर देख सकते हो कितना बढ़िया लगा हुआ है, ठीक है। ये डिजिटल क्लॉक है, और ये हॉर्स पेंटिंग है कितनी बढ़िया लग रही है। और अगर हम ये वाले गेट को खोलेंगे तो यहाँ पे टॉयलेट है आप देख सकते हो, ठीक है, कुछ ऐसा सा टॉयलेट बना हुआ है। और यहाँ पे ये वही वाला दरवाजा है, रूम का दरवाजा है जो खुलता नहीं है, जो मैंने आपको बाहर दिखाया था। और गाइज अगर ड्राइंग रूम से थोड़ा आगे चलेंगे तो ये आप देख सकते हो, ये थोड़ा यहाँ पे डाइनिंग स्पेस दे रखा है, यहाँ बैठ के आराम से नाश्ता वगैरह खाना वगैरह खा सकते हैं बैठ के। और ये सामने जस्ट जो है वॉश बेसिन का स्पेस बना रखा है हाथ वाथ धोने के लिए। और जस्ट इसके बगल में ही जो है किचन दे रखी है, देख सकते हो किचन, ठीक है। फ्रिज व्रिज लगा हुआ है यहाँ पे, कोवाड वगैरह लगा है। और यहाँ से अगर हम आगे जाएंगे तो ये थोड़ा सा एक स्टेयर देके यहाँ पे थोड़ा सा हॉल वगैरह बना हुआ है बड़ा सा। देख सकते हो आप, और ऊपर जो है ये शैंडलर देख सकते हो आप कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। और यहाँ पे छोटा सा पूजा स्पेस बना रखा है, पूजा घर बना रखा है छोटा सा यहाँ पे पूजा वगैरह करने के लिए। और ये आप सोफे देख सकते हो कितने लग्जरी लगे हुए हैं, बढ़िया लग रहे हैं देखने में। और गाइज ये एक मंदिर की तरफ से दरवाजा निकल रहा है जो सीधा जो है गार्डन की तरफ निकल रहा है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये वाला जो गेट है ये वही है जो डाइनिंग टेबल के बगल में से जो गेट है, ये भी यहीं आ रहा है सीधा। और जो ये वाला गेट है ये उसी कमरे का गेट है जो मैं बता रहा था, जो ज्यादा खुलता नहीं है बंद रहता है, वही है। ये स्टोर रूम टाइप बना रखा है ये, और ये पूरा आपको गार्डन तो मैंने दिखाई दिया था सारा, देख सकते हो आप। और इसके जस्ट सामने ये आप देख सकते हो ये स्टेयर्स जा रही हैं, ये छत पे जा रही हैं। और ये सामने ये वही दरवाजा है जो पार्किंग वाले एरिया में था जो मैंने आपको दिखाया था। और ये यहाँ पे दो कमरे हैं ये वाले, ये भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। सो गाइज एक रूम ये वाला है देख सकते हो आप, ठीक है, कुछ ऐसा सा रूम है ये थोड़ा तैयार व्यार होने के लिए। और ये वॉशरूम है आप देख सकते हो कुछ ऐसा सा, ठीक है। और गाइज दूसरा रूम ये है, दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ऐसा सा कुछ रूम है। यहाँ पे ये वार्डरोब सेक्शन है देख सकते हो, यहाँ पे तैयार हो सकते हो आराम से खड़े होके। और ये वॉशरूम है, यहाँ पे पूरा बाथटब का सिस्टम है सारा, देख सकते हो आप, ठीक है। सो गाइज आपको मैंने पूरा घर तो आपको दिखाई दिया है, अब आपको मैं जो हूँ छत पे लेके चलता हूँ, एक बार आपको छत से जरा व्यू दिखाता हूँ, कितना जबरदस्त व्यू है छत का। सो गाइज ये छत आ गई है अपनी, गाइज एक बार जरा व्यू देखो, ये
देख सकते हो आप कितना जबरदस्त व्यू है। इस साइड से भी दिखा देता हूँ एक बार व्यू आपको, ये देख सकते हो पहाड़ कितने क्लियर दिख रहे हैं यहाँ से, और ये सारा गार्डन एरिया दिखता ऊपर से आप देख सकते हो। सो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और नीचे कमेंट सेक्शन में वो जरूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और जो भी मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहा है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को जाके अभी, और बेल आइकन दबा दीजिएगा वीडियो के इंस्टेंट अपडेट्स के लिए। और इंस्टाग्राम की आईडी शो हो रही होगी यहाँ पे मेरी, डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, तो उस पर भी जाके अपने भाई को फॉलो मारो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।